मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। साथिया संग रहेगा तेरा प्यार। अवनी की आंखों में आंसू, नील भी हो रहा है इमोशनल, दोनों डूब डूब कर खा रहे हैं इमोशंस के समंदर में गोते। नामकरण में ड्रामा काफी लंबा चला है, तो ड्रामे के बाद अब इमोशन की बारी है। वैसे अवनी के लंबे मिशन की सफलता के बाद ये इमोशनल सीन तो बनता है, क्योंकि अवनी इस घर से जाने वाली है और नील से जुदा होने वाली है। बात कुछ ऐसी थी कि अवनी जो है वो आज जिनका, क्योंकि मकसद पूरा हो चुका है, दयवंती घर दयवंती को मैंने अरेस्ट कर लिया है, पूरा मेहता फैमिली को, तो इनका जो मकसद था दयवंती को सजा दिलवाने का वो पूरा हो गया, तो आज के दिन ये घर छोड़ के जाने वाली हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि ये छोड़ के ना जाए, बट ये आई डोंट नो, इन्हें समझ आएगा नहीं आएगा पता नहीं। नील अवनी को टूटे दिल के साथ आजाद कर रहा है, लेकिन उसके दिल में तो कुछ और ही है। अवनी से जुदा होने का गम उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। जहाँ चाहे जा सकती, और तुम्हारा जब भी मन करे ना तुम्हें घर भी छोड़ के जा सकती। माना के हम यार नहीं, लोते है के प्यार नहीं। अब नील ने अवनी को जाने के लिए कह दिया है, लेकिन अवनी के दिल का हाल भी नील से अलग नहीं है। वो भी अब इस घर से नील को छोड़कर जाना नहीं चाहती। वक्त आ गया है कि जब अवनी को इस घर से जाना पड़ेगा, और नील भी कह देते कि अब तुम आज़ाद हो, तुम्हारा मिशन हो चुका है, अब तुम यहाँ से जाओ। बट अवनी ठीक कॉन्फिडेंटली हाँ भी नहीं बोल पा रही कि ठीक है मैं चली जाऊँगी। सया और वैसे भी अगर हीरोइन हीरो से अलग हो जाएगी तो रोमांस कैसे देखने को मिलेगा दर्शकों को? तो देखते हैं कि नील अवनी को घर से जाने से कैसे रोकता है, या फिर अवनी खुद रुक जाएगी। आज तक ब्यूरो।